अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। ये है मेरा पाकिस्तान, पंजाब पेज और हमारे खाने हमारी पहचान, पेशावरी सिंह के साथ। मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, मैं आज तुम दिखा रहे हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रिसालपुर कैंट। एट लीस्ट मेरी मेहनत जी है सफल हुई है। अंदर जी तुम बिल्डिंग नज़र आ रही है जी, कि इस वे घर कन्वर्ट हो चुकी है। यह जी है बिल्डिंग, यह गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा रिसालपुर, और इसनों जाने जाता सी गुरुद्वारा श्री गुरु नानक साहिब, ये नाम से इस गुरुद्वारे का। मैं हूँ ही थोड़ी देर पहले पंडित साहब न मिल के आया वहाँ, पंडित जेडे इस इलाके दे सब तो बड़े पंडित ने, किशन लाल साहब, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस दे जेडे ने सदर ने। वाल्मीकि मंदिर भी है इन्हों को, और बहुत खिदमात ने पाकिस्तान वास्ते इन्हों दियाँ। मेरा सलाम है उन्होंने, उन्होंने मैं दसिया कि एक लाइन के विच ही सब कुछ मौजूद है। पहले है गुरु घर है, पहले वाल्मीकि मंदिर है, फिर उस तो बाद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा है, और उस तो बाद नाल ही अगे आर्या समाज मंदिर है, आर्या समाज मंदिर तो अगे सनातन धर्म है, और फिर अग्रवाल मंदिर है। यह बिल्डिंग है पूरी जड़ी कि इस वेले टुकड़ियों के तकसीम हो चुकी है, निके निके हिस्सों के तकसीम हो चुकी है। इत्थे कदी हुंदा सी गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा साहब की जड़ी है बिल्डिंग तो तकरीबन कुछ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस चीज़ जी अच्छा है मेन वो अंदर जड़ा उत्ते नज़र आ रहा हिस्सा थोड़ा दिना। हाँ जी, ए मैं तुहानू अंदरों कोशिश करना वा दिखाने दी। मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, और मैं तुहानू दिखा रहा वहाँ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, और दूसरा नाम सी इहदा गुरुद्वारा श्री बाबा गुरु नानक साहिब रिसालपुर कैंट। हाँ जी कोई गल नहीं, सलाम वालेकुम जी, सही चल रहे लाला है। ऐसी वो परणी इतिहासिक और तारीखी जड़ी जगह सी, वक्त दे नाल नाल अलोप हो गई, और सिर्फ जिन्हों कहते हैं कि तारीख अंदर जड़ा है नाम रह जाता है, बाकी हर चीज़ मिट जाती है। वक्त दे नाल सारा कुछ मिट गया, ख़त्म हो गया, अलोप हो गया। ओ ये आपके पास है घर? गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा और गुरुद्वारा श्री बाबा गुरु नानक साहिब, ये तमाम नाम सी इस हिस्टोरिकल प्लेस थे, लेकिन वक्त दे नाल नाल सब कुछ चेंज हो जाता है। रिसालपुर कैंट जदों बनिया 1913 और 1914 च, और उस तो बाद जड़ा है आहिस्ता आहिस्ता 1947 आया, और 47 तो बाद हर चीज़ जड़ी है वो चेंज हो गई है। तो मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहो सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। एंड लाला आप कब से रह रहे हैं इधर जी? इधर से था इस जगह पे आप कब से रह रहे हैं? इस जगह पे कब? ये देखो ये अंदरों गुरु घर का मंजर देखो, यह हूँ रहायशा च तब्दील हो चुके हैं। गुरुद्वारा गुरु सिंह सिंह सभा रिसालपुर कैंट के विच इस वेले मैं, जिसनों कि इस गुरुद्वारे जड़ा है दो नामों तो जाने जाता सी, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, और उस तो अलावा गुरुद्वारा श्री गुरु नानक साहिब। अच्छा खासा वड्डा हॉल है, लेकिन इस वेले पीसिस दे विच तकसीम हो चुके हैं। तुसी देख रहे हो सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस पाकिस्तान, पंजाब पेज, ये है मेरा पाकिस्तान,
ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ, ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ, ਰਿਸਾਲਪੁਰ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸਾਲਪੁਰ ਕੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।